Hi guys, today we are going to discuss about blotting and its types. So what is blotting? Blotting जो हमारी ये basically molecular biology जो field होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा used हो जाती है. इसमें हमारे क्या कहते हैं micro molecules होते हैं, जैसे कि हमारे DNA, RNA और protein, इनको जो है वो separate करने के लिए ये use की जाती है, या फिर इनका कितना amount है उसको पता लगाने के लिए जो हमारी blotting है वो use की जाती है. हमारी काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है, बाइंडिंग एबिलिटी कैसी है, इस पे जो हमारी ब्लॉटिंग जो है वो डिपेंड करती है. ब्लॉटिंग में हमारी काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स भी यूज होती है, जैसे कि हमारे नाइट्रोसेल्युलोज हो गई, PVDF हो गई और नायलॉन, काफ़ी सारी और भी हैं जो हमारी मेम्ब्रेन्स यूज की जाती हैं. देन हम इसका ट्रांसफर कराते हैं मॉलिक्यूल्स का मेम्ब्रेन पे जस्ट आफ्टर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जैसे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया उसके बाद जो हम मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कराते हैं ताकि हम उनके आगे फर्दर स्टडी कर पाए. हमारी काफ़ी डिफरेंट स्ट्रेन्स भी जो हैं वो यूज होती हैं इनमें विजुलाइज करने के लिए मेम्ब्रेन के ऊपर कि कहाँ कहाँ हमारे जो हैं बैंड्स आए हैं, जैसे कि हमारी ETBR हो गई, क्रिस्टल वॉयलेट एक्सेट्रा, काफ़ी सारी और भी हैं जो कि हमारी यूज की जाती हैं, बट बेसिकली जो है वो यही यूज की जाती हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग. ब्लॉटिंग जो है हमारी वो बेसिकली तीन टाइप की होती है, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड नदर्न ब्लॉटिंग. हमारे तीन मैक्रोमोलिक्यूल्स है, DNA, प्रोटीन एंड RNA. तो तीनों के अलग अलग मेथड्स है सेपरेट करने के लिए. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में. सदर्न ब्लॉटिंग हमारी किसने दी थी? एडवर्ड एम सदर्न ने. एडवर्ड एम सदर्न ने जो हमारी ये सदर्न ब्लॉटिंग दी थी, इसको हम बेसिकली DNA सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं. इसमें हमारे क्या क्या होते हैं, सेपरेशन, ट्रांसफर एंड हाइब्रिडाइजेशन. बेसिकली हमारी जो तीनों ही ब्लॉटिंग है वो इन्हीं तीनों प्रोसीजर्स को जो है वो यूज करती है. बस उनमें जो मेम्ब्रेन यूज होगी, जो स्ट्रेन यूज होगी, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होगी वो जो है वो डिफरेंट होती है. बेसिक जो है वो यही यूज करते हैं, सेपरेशन, ट्रांसफर एंड हाइब्रिडाइजेशन. मतलब स्टेप्स उनमें यही होंगे, बस मेम्ब्रेन का और हमारे स्ट्रेन्स का जो है वो डिफरेंस होता है. अब जो हम DNA डिटेक्ट कर रहे हैं वो हमारा सिंगल जीन भी हो सकता है और लार्ज पीस ऑफ DNA भी हो सकता है. ये नहीं कि हम सिर्फ एक सिंगल जीन को ही डिटेक्ट करेंगे. जब हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, मतलब कि हमारा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसमें परफॉर्म कराएंगे जिससे कि हमारी साइज सेपरेशन होगी. जब हमारा DNA सेपरेट हो गया, उस सेपरेटेड DNA को जब हम वो मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कराते हैं, फिर हम उसकी जो है वो क्रॉप हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं. अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है सदर्न ब्लॉटिंग की, कि हम इसको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम इसको जीन रीअरेंजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. अब ये एक बेसिक तीनों जो ब्लॉटिंग्स है उनका एक ओवरऑल डायग्राम दे रखा है कि अगर हम मिक्सचर दे दिया उसमें हमारा DNA, RNA और प्रोटीन, ये तीनों चीज प्रेजेंट है. सपोज हम सदर्न ब्लॉटिंग करा रहे हैं तो हमारा सिर्फ यहाँ पे जो डिटेक्शन आएगी वो सिर्फ DNA बैंड्स की आएगी. अगर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करा रहे हैं तो सिर्फ प्रोटीन्स की आएगी. अगर हम नदन ब्लॉटिंग करा रहे हैं तो सिर्फ हमारी RNA की आएगी. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग. वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है हमारी वो डब्ल्यू नील बर्नेट ने दी थी. ये हमारा किस लिए यूज होती है? हमारी डिटेक्शन और एनालिसिस ऑफ प्रोटीन के लिए यूज होती है. ये हमारी किस डिपेंड किस पे करती है कि हमारी बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी कैसी है प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रोब की, उस पे जो हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है. इसमें हम SGS पेज का यूज करेंगे. SGS पेज की वीडियो भी मैं एक दो दिन में डाल दूंगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं कि SGS पेज क्या होता है. बेसिकली हमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है हमारी वो अमाउंट ऑफ प्रोटीन में रहता है कि सेल में कितनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारी प्रेजेंट है. फिर हम इनको सेपरेट करेंगे पॉलीएक्रेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से. लास्ट में हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करा था, इसमें हम करें पॉलीएक्रेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से. नेक्स्ट वी विल जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया, हम इसको मैम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे. उसके बाद हम उस मैम्ब्रेन पे कुछ ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि हमारी कोई भी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो पाए. अब इसको हम दो तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से. फिर हम इनको डिटेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी विजुअलाइजेशन कराते हैं क्लोरोमेट्रिक एसेज से. क्लोरोमेट्रिक एसेज से हम जो है इनकी विजुअलाइजेशन करेंगे. वेस्टर्न ब्लॉटिंग्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है कि एक तो क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है, क्योंकि प्रोटीन का डिटेक्शन है तो प्रोटीन हमारे काफ़ी सारे मेडिसिन में भी यूज होता है, तो इसलिए हमारा क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है.
किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन की अगर हमें लो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। किसी का जीन प्रोडक्ट क्वांटिफाई करना है तो उसके लिए भी हम जो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज आर नदन ब्लॉटिंग। नदन ब्लॉटिंग हमारी किसने दी थी? एल्विन एंड स्टार्क ने जो हमारी नदन ब्लॉटिंग दी थी। इसमें हम बेसिकली आरएनए का एनालाइज और डिटेक्शन कराते हैं किसी भी सैंपल में। ये हमारी क्या क्या डिटरमाइन करेगी? आइडेंटिटी, साइज एंड अबंडेंस ऑफ आरएनए की। आरएनए का साइज क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये सब जो हमारी नदन ब्लॉटिंग जो है वो डिटरमाइन करती है। प्रोटोकॉल इसमें बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले हम आरएनए का आइसोलेशन कराएंगे, फिर हम सेपरेशन टेक्निक्स यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ आरएनए की। आरएनए का साइज क्या है उस बेसिस पे जो हम वो सेपरेशन टेक्निक्स यूज करेंगे। अगर हमारी लार्जर आरएनए है तो जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे वो हम फॉर्मल्डिहाइड की करा सकते हैं, एग्रोज जेल की करा सकते हैं या फिर ग्लाइसॉल की करा सकते हैं। ये तीन जो एग्रोज जेल्स हैं वो हम यूज करते हैं। अगर हमारा स्मॉलर आरएनए है तो हम डीनेचरिंग पॉलीक्रोमाइड जेल कराएंगे, ठीक है। और जब हमने उसकी सेपरेशन करा दी, देख के कि स्मॉलर था लार्जर था, उस अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई या पॉलीक्रोमाइड जेल कराया, जब वो हो गया उसके बाद हम उसका ट्रांसफर कराएंगे मेम्ब्रेन पे। फिर हम उस मेम्ब्रेन को जो है वो रेडियो एक्टिवली या फिर नॉन आइसोटॉपिकली लेबल्ड आरएनए से या फिर डीएनए से जो उनको इंक्यूबेट कराएंगे। देन वी विल यूज रेडियो लेबल्ड प्रोब जिसकी हेल्प से हम उसकी विजुअलाइजेशन करेंगे। वो हमारे एक्सरे फिल्म भी हो सकते हैं या फिर एंजाइमेटिकली प्रोब अगर हम यूज करें तो हम कैमिल्यूमिनेसेंस का यूज करेंगे। तो बेसिकली ये हमारी तीनों टेक्निक्स थी ब्लॉटिंग की। थैंक यू सो मच फॉर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।